1 जुलाई को दो मूवी रिलीज होने वाली है, ओम द बैटल विद इन और दूसरा है रॉकेटरी द नाभरिक इफेक्ट। हालांकि वो 1 साल पहले ही मूवी रिलीज होने वाली थी बट कोरोना काल की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई थी, जो कि अब हमको अब देखने को मिलेगी। ये सब छोड़ो, पहले बात करते हैं ओम मूवी के बारे में, फिर चर्चा करेंगे रॉकेटरी मूवी पे। ओम मूवी में आपको देखने मिलेंगे आदित्य रॉय और संजना सांगी, जो कि डायरेक्ट किए हैं कपिल वर्मा ने, जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ नाम के लिए किए, क्योंकि अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि मूवी को प्रोड्यूस भी अहमद खान ने किया और डायरेक्ट भी अहमद खान ने किया है, क्योंकि आपको ट्रेलर थोड़ा सा दिखला दिखला ऐसा लगेगा। अहमद खान ने क्या किया, बागी 3 को लिया, बागी 2 को लिया, दोनों मूवी को भाई स्क्रिप्ट रेडी हो गई, कौन सा एक्टर डालना है। रॉकेटरी मूवी में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा झटका देना चाहूंगा कि आर माधवन जी ने ही इस मूवी को लिखा है, डायरेक्ट किया है और एक्ट भी किया है। बात करें मूवी की तो ये एक बायोपिक मूवी है, जो कि नाम भी नारायण जी के ऊपर बेस्ड है, जो कि इसरो में एक साइंटिस्ट थे और उनके ऊपर एक देशद्रोही का इंजाम था। पहले रॉकेटरी मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे SS राजमौली, जो कि डेट नहीं मिलने पर माधवन जी ने कहा काम करो ये भी मैं कर लेता हूँ, आप Dream11 पे टीम बना लो। बात करें मेरी तो ये मूवी ब्लॉकबास्टर होने वाली है, क्योंकि ये मूवी इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होने वाली है और ये एक अच्छी बायोपिक है जिसके अंदर आर माधवन जी ने अपनी जान फूंक दी है। मैं तो ये मूवी देखने जाऊंगा। तो गाइस बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि दोनों मूवी का रिव्यू इसी चैनल पे आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।